तो नमस्कार दोस्तों, एक और नए से व्लॉग में आप सभी का स्वागत करते हुए, और टाइम हो रहा है 12 और अभी हम जा रहे हैं ग्लास ब्रिज की तरफ। और हमारे साथ हैं ये भैया सूजन भैया। हेलो सूजन भैया। और ये रोमन भैया। रोमन भैया और सुनाओ भैया, क्या बोले? हम लोग अभी तो स्काई वॉक जा रहे हैं। अच्छा, स्काई वॉक जाने का रास्ता देखिए कितना ऊँचा है। बहुत ऊँचा है। वही था, इन्हें भी बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, तो फिर चले शॉर्टकट से। अच्छा, शॉर्टकट मत जाए, बहुत लंबा है यार। तो अभी शॉर्टकट मार रहे हैं, कैमरा करता हूँ मैं आगे, और देखिए थोड़ा सा यहाँ का शॉर्टकट कितना खतरनाक है। मौसम तो देख ही रहे हो आप, तो अभी कैमरा कर देता हूँ आगे। ये देखिए शॉर्टकट, खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए आगे आगे बढ़ रहे हैं। ओह माय गॉड, ये देखिए इस साइड भी जंगल है। हो तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, अभी ऊपर चढ़ते हैं। ओके ओके, मिलते हैं। तो भाई साहब, चलते चलते हम पहुंच गए हैं मॉनेस्ट्री के पास, और पास में ही है अपना स्काई वॉक। ये भैया कौन सा, मतलब कौन सा स्वरूप है बुद्धा का? बुद्धा का ही होते ना। ज्ञान नहीं है। अच्छा, सही है भैया, बहुत बड़ी विशाल प्रतिमा है भैया। ये देख लो विशाल प्रतिमा। अभी आगे ही चल रहे हैं और मिलते हैं आपसे आगे, पास से दिखाऊंगा मैं। तो आगे ही चल रहे हैं, अभी मिलते हैं आगे चल के, और पास से दिखाऊंगा विशाल प्रतिमा बुद्धा जी की, तो साथ में अपने भाई हैं ही। ओके, क्या भैया? हाँ, अब ये अपने रोमन भाई हैं। तो भाई लोग, फाइनली मैं पहुंच गया हूँ ग्लास ब्रिज के पास, और एंट्री हमने करवा ली है। और एंट्री चार्जेस हैं अराउंड, लोकल्स के लिए फ्री है, और जो टूरिस्ट हैं उनको लगेंगे 50 रुपये पर पर्सन। और ये देख सकते हो, ये मंत्र वाले हैं कुछ, मेरे को भी नहीं पता भैया क्या कहते हैं इन्हें, इनको क्या कहते हैं? रोमन भैया, इनको क्या कहते हैं? इसको जो ये जो जो बुद्धिस्ट है ना, मन को शांत करते हैं ना, जो हम लोग ऐसे रोल मानते हैं इसको। अच्छा, बोलना चाहिए जो माने पे में, ओम माने पे में, ओम माने पे में। अच्छा अच्छा अच्छा, और ये पूरे मंत्र लिखे हुए हैं इस पे, बुद्धिस्ट का है ना वो। अच्छा, नीचे मत देखिए, नीचे देखिए तो डर लगता है। ये हम पहुंच गए ग्लास ब्रिज के ऊपर, अभी चल रहे हैं आगे। रोमन भैया डर लग रहा है, तो अभी मैं कैमरा आगे करता हूँ। थोड़ा थोड़ा डर। अच्छा, मुझे मेरे को डर नहीं लग रहा। अभी ग्लास ब्रिज के ग्लास घिस चुके हैं। तो अभी चलते हैं आगे, और कैमरा करता हूँ मैं आगे। ओके, और नज़ारे पूरे दिखाऊंगा ग्लास ब्रिज के। नज़ारे कैसे तो करता हूँ अभी कैमरा आगे। ओके, अच्छा मजे आ रहे हैं भैया चलने में। और ये विशाल प्रतिमा है उद्धा जी की, अभी धुंध में मतलब दिख नहीं रही होगी आपको क्लियर। अभी आगे चलेंगे, और अपने भाई लोग हैं यहाँ पे अपने साथ। कैसा लग रहा भैया? बहुत मस्त, मजे। और ये रोमन भैया को लग रहा था डर है ना भैया? अब नहीं लग रहा। अच्छा, बस ये इतना सही ब्रिज है। अच्छा, वहाँ पर भी जा सकते हैं, वो जो है ना इधर। हाँ, चलिए ऊपर जाएंगे।
यस्तो हिन्दीबाट पुछिदिएको रोमन मसिन बहिनी तो इस साइड से व्यू देख सकते हो आप ग्लास ब्रिज से। ये विशाल प्रतिमा बुद्धा जी की। ओह अभी चल ही रहे हैं ग्लास ब्रिज पे। और अपने भाई लोग थक चुके हैं। रेस्ट करो बैठो यार। ये वाला बहुत दर्द करता है। अच्छा घुटने दर्द कर रहे हैं। हाँ घुटने घुटने बहुत दर्द। ब्रेक फ्रूट है ये। हाँ यो कति छ नि के छ नि ना मोटा ग्लास है भैया। के खाइ छ होला उन्दो हेर्नु हुँदैन कि हिँदा चाहिँ माथि तिर हेर्नुपर्छ। उन्दो हेर हजुर छ भने चाहिँ हल्का कति कता कता छ त्यो आफूलाई साइको गर्दा चाहिँ उन्दो हेर्दै हिँड्नु हुँदैन पुरा डर लाग्छ कि कलातिर मन धुलाउँदै हामीलाई नि डर्न तो भाई साहब फाइनली हम हैं विशाल प्रतिमा के सामने बुद्धा जी की। और ये जो हमें पता नहीं चल रहा था क्या कहते हैं इसे कहते हैं इंग्लिश में प्रेयर व्हील्स। और इनके ऊपर मंत्र लिखे गए हैं ये देख सकते हो यार। मन की शांति के लिए लोग इनको घुमाते हैं। और ये जो सीढ़ियां देख रहे हो 108 सीढ़ियां हैं। 108 सीढ़ियां चढ़ने के बाद विशाल प्रतिमा है बुद्धा जी की। और अभी चल ही रहे हैं आगे की तरफ। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। चलते चलते दिखा देता हूँ मैं आपसे। ओके और भैया अभी घुमा रहे हैं अपने व्हील। अरे भैया अपने साथ ही है। अभी चलते हैं आगे। कैमरा खोल देता हूँ मैं आगे। ओके सीढ़ी चढ़ने के बाद अपने भाई थक चुके हैं। ऊपर है अभी और ऊपर है। चलो फिर चलो भैया आ जाओ। बहुत प्राचीन मॉनेस्ट्री है भैया ये फिर से अभी बनी है अभी। तो भाई साहब फाइनली मैं आ गया हूँ मोनेस्ट्री में। विशाल प्रतिमा ये देख सकते हो। मुझे चक्कर काट के आता हूँ मैं। ओके साथ में बने हुए अपने भाई लोग फोटो खींच चुके हैं यहाँ पे। इसमें हम घूम लेते हैं। ओके ओ पहले यार मैं माथा टेक लेता हूँ मोनेस्ट्री में और फिर एक राउंड काट के फिर यहीं पे आऊँगा। ओके
परिक्रमा कर रहे हैं मंदिर की, और इस मंदिर के बारे में यार हमें कुछ ज़्यादा नॉलेज तो है नहीं, बट यहाँ पे पॉजिटिव वाइब बहुत ज़्यादा आ रही है। शांति इतनी है कि पूछो मत। कोई मेडिटेशन करना चाहता है तो यहाँ पे आके कर सकता है, और बहुत ही पीसफुल और इतना साइलेंस है यहाँ पे कि पूछो मत। मन एकदम से शांत हो गया, हम मतलब पूरी थकान ख़त्म हो चुकी है अपनी यहाँ पे आने के बाद, और अभी चल ही रहा हूँ मैं आगे। एक परिक्रमा करने के बाद माथा फिर से टेकूँगा, फिर चलेंगे हम आगे, और अपने भाई लोग हैं ही अपने साथ, अभी चल ही रहे हैं आगे की तरफ। अब ये क्या कहते हैं मतलब ये व्हील घुमाने के बाद ओमाने पे में कहते हैं मतलब ये व्हील घुमाने के बाद मंत्र उच्चारण करते हैं ओमाने पे में। तो मिलता हूँ अभी, पूरा व्हील घुमा लेता हूँ मैं, थोड़ी देर में मिलता हूँ आपसे। ओके, बुद्धा जी के दर्शन करने के बाद हम वापस अपने होटल में आ गए थे जहाँ पे हमने कल खाना खाया था, और भाई अपने रेस्ट करने लग गए और हमने भी रेस्ट किया थोड़ी देर, फ़ोन वोन चार्ज किया, और अभी बज रहे हैं पाँच बजने के बाद देख सकते हो अंधेरा कितना भूख हो गया है यहाँ पे, और बारिश हो रही है हल्की हल्की। जैसे ही बारिश ख़त्म होगी फिर देखेंगे यार टेंट वेंट फिट करेंगे, खाना वाना बनाएंगे अपना, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, और फिर देखेंगे यार क्या करना क्या नहीं करना, पहले बारिश रुकने का नाम ले तो देखेंगे। ओके, तो भाई साहब समय हो रहा है 9:30, और अपना खाना तो आधा मैंने फिनिश ही कर दिया है, सोचा कि यार ब्लॉग भी एंड ही कर दूँ, तो मिलते हैं आपसे कल। ये अपने भाई लोग हैं अपने, कैसा लग रहा भैया? बहुत बढ़िया भैया। और ये अपने भाई को कहें, इन्होंने जबरदस्त मैगी और क्या नाम है जो खाना बनाया है, सब्जी किसकी थी भैया? सब्जी की है ये, किसकी बनाई थी भैया? आलू गोभी की सब्जी थी, चावल थे और मैगी, और सब कुछ मिक्स करने के बाद और क्या नाम है 4-5 डल्ले डाल दिए, और मजे ही आ गए, मन कर रहा है 4 डल्ले और खा लूं। और इसने खा लिए, मैंने 2-3 डल्ले डाली थी, यही बोला कि तुझे नहीं खा पा रहा, एक डल्ले मेरे को दे दे, तो इसने अपने में डाल दी, अब इसको चक्कर आ रहे खाते खाते। तो भैया ठीक है, आज का ब्लॉग यहीं करते हैं समाप्त। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को मारे लाइक, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। बोल तो भैया आप भी लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो जल्दी से जल्दी, और मेरा भी चैनल यूट्यूब चैनल यूट्यूब पे आके लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर कर देना। हाँ, वीडियो आने वाला है मेरा भी। अच्छा, अभी एक बार है तो जल्दी से कॉल से देखना, डांस वाला भी जाएगा, ठीक है? हाँ, सब्सक्राइब कर दो भैया के चैनल को भी, सब्सक्राइब कर देना, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये बोलो ठीक है, गुड नाइट, ओके, बाय बाय, तू खा ले कर ले। ओके, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, कल दिखाएंगे इसकी हालत क्या हुई होगी। बाय बाय।